हेलो स्टूडेंट्स, वर्ग सिक्स के छात्रगण, संस्कृत ज्योत्सना पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ को हम लोग देखेंगे। इसमें वंदना से शुरुआत की गई है। वंदना का जीवन में बड़ा महत्व है। हम लोग इस वंदना इस उद्देश्य से करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में जो दैनिक कार्य करते हैं वो हमारा कार्य निर्विघ्न चलता रहे और पूरा हो। इसी उद्देश्य से इस वंदना को ध्यान में रखा गया है। इस भक्ति हमें हमेशा सकारात्मक कार्यों की ओर मोड़ती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अतः हमारे जीवन में ईश्वर आराधना का बड़ा ही विशेष स्थान है और खासकर जब हम लोग अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसे में अनुशासन और भक्ति का विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो हम लोग ध्यान देते हैं इस वंदना में माँ सरस्वती की वंदना करते हुए बच्चों को दिखाया गया है, जो ज्ञान की देवी हैं, समूचे विश्व में ज्ञान का प्रकाश उन्हीं के द्वारा फैला हुआ है। तरह तरह के गुण, ज्ञान, कला और संस्कार, ये सब माँ की कृपा पर ही निर्भर है। तो हम लोग श्लोक को देखते हैं। लिखा गया है, नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसारे, नमामि हंस वाहिनी या पूज्या सर्वलोकेशु, नमामि देववाणीं च या जननी सर्वभाषाणां, नमामि माता गंगा तु या पावनी सर्वनिमग्नासु। इस प्रकार इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। मैं भारत माता को नमस्कार करता हूँ जो सारे संसार में श्रेष्ठ हैं। मैं माँ सरस्वती को नमस्कार करता हूँ जो सभी लोकों में पूज्य हैं, और मैं संस्कृत भाषा को नमस्कार करता हूँ जो सभी भाषाओं की जननी है, माता है। मैं माता गंगा को नमस्कार करता हूँ जो सभी नदियों में पवित्र है। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे वंदना कर रहे हैं। ये भारत भूमि जिस पर हम सभी ने जन्म लिया है, वास्तव में पूज्य है, धन्य है, क्योंकि ये हमारी धरती माँ है। माँ सरस्वती जो सभी प्रकार के ज्ञान और कला की देवी है, सभी शिक्षाविद छात्रगण बड़े ही पवित्र भाव से माँ की आराधना करते हैं। और वास्तव में आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हम सभी को शांति और सुकून प्रदान करती है। इसलिए वंदना का जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। तो इस प्रकार यह वंदना का समापन किया गया है। मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब अपनी इसको फेयर कॉपी में उतारेंगे, सुंदर अक्षरों में इस कविता को अर्थ भावार्थ सहित इसे लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे।